व्हाट्स अप गेमर्स, इट्स अगेन वेल प्लेयर। तो क्या हाल है सबका। तो भाई जन आज ना सारी फैमिली बैठी हुई है टीवी पे, तो आज हमारी डैड भी है जो कि बहुत अच्छी बात है, और जीबी भी टीवी बैठा हुआ है जो कि आपको पता है कि बहुत तंग करता है। तो अभी ना ज़रा ऊपर जाके कपड़े चेंज करते हैं, काफ़ी देरों से नहाया भी नहीं है, तो ज़रा फ्रेश हो लें, क्योंकि बीवी की तो खैर है लेकिन चलो गर्लफ्रेंड जो है ना उसके लिए तो फिर सब कुछ करना पड़ता है। अरे यार कपड़े कोई भी अच्छे नहीं है, लगता है नए लेने पड़ने हैं, तो अभी चलते हैं नए कपड़े लेने चलते हैं अभी। और आपको मैं अपनी एक न्यूली इम्पोर्टेड गाड़ियाँ भी ज़रा दिखा लूँ बाहर जाके। तो सबसे पहले है ये ऑडी R8, और सेकंड पे है ये इधर रोल्स रॉयस। लेकिन आप सोच रहे होंगे जाना किस पे है, तो इन दोनों पे नहीं जाना हमने, हमने जाना है दो एक और भी गाड़ियाँ हैं, उन दोनों का मैंने इस गैराज के अंदर रखा हुआ है, अभी जाकर दिखाता हूँ आपको। एक तो आपने पहचान ली होगी वो जीमी वाले सीन की गाड़ी है, और दूसरी है लैम्बो वाइट में। लेकिन अभी हम जाएंगे अपनी लाल फरारी पे। भाई बहुत गजब गाड़ी है, तभी तो मैं जीमी को चलाने नहीं देता, क्योंकि वो आपको पता है कि बहुत ही इलिटरेट टाइप बंदा है वो। तो आज हमारी एक ब्लाइंड डेट है, तो इसके लिए कभी नए कपड़े चाहिए। तो ये हम पहुंच चुके हैं आउटलेट पे, अभी अंदर जाकर देखते हैं कि क्या लेना है यहाँ से। ये लोग भाड़े पे नहीं देते, वरना मैंने पक्का भाड़े पे लेके जाना था सूट। लेकिन चलो पैसे तो खर्चे नहीं पड़ने हैं, कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता। तो ये वाइट शर्ट ही बहुत अच्छी लगी, बाकी जीन्स तो आपको पता है ऑलरेडी पहनी हुई थी, अच्छी लग रही है, तो ऐसे ही चलते हैं, ज़्यादा खर्चा भी नहीं करना। पहली चोरी कर करके बहुत मेहनत कर करके गाड़ियाँ इकट्ठी की हैं। तो उसने मुझे बोला है कि वो बीच के पास है, तो वहीं से थे उसको मैंने पिक करना है, तो अभी वहाँ पर जाके चलते हैं। रियल लाइफ में भी सोनी है, पिक्स में तो बहुत अच्छी लग रही थी वो, लेकिन अभी रियल लाइफ में देखते हैं कि कैसी है वो। तो ये वो आ चुकी है, काफ़ी वेट कराया उसने मुझे, लेकिन कर लेंगे हम भी, हमको जो चाहिए फिर करना ही पड़ता है। अस्सलाम वालेकुम। आज तुम्हें पता है मुझे लग रहा था जैसे आज घड़ियाँ बिल्कुल तुम समझ ही नहीं सकते हो कि मुझे क्या लग रहा था। मुझे लग रहा था वक्त गुजर ही नहीं रहा है, बट तुम तो बिल्कुल टाइम पर आ गए। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम इतने पंक्चुअल हो गए। जी जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपका। अरे नहीं नहीं मैं तो तब से ही वेट कर रहा था आपका, और फिर टाइम पे तो आना ही पड़ता है। और यार आप बहुत बहुत खूबसूरत हो, मैं तो आपके अंदर खो ही गया हूँ। आपके बाल, आपकी आंखें बहुत प्यारी हैं यार, मज़ा आ गया एकदम। अच्छा बस भी करो, अब इतनी भी मैं खूबसूरत नहीं है जितना तुम कह रहे हो। नहीं नहीं यार सच्ची इतनी ही है, इससे भी बहुत ज़्यादा हो। हो सकता है कि हों भी, लेकिन मेरा ख्याल है ये तुम्हारी नज़रों का हुसन है, वरना तो हर इंसान खूबसूरत होता है। खूबसूरती तो असल में देखने वाले की आँख में होती है। हाँ ना, मैं तो अपनी आँखों का शैम्पू के साथ धो के आया हूँ। अब तुम बस करो, मुझे शर्म आ रही है, मैं बहुत अनकंफर्टेबल हो रही हूँ। अरे अभी जाके कंफर्टेबल करता हूँ मैं। ओह माय गॉड, आई एम सो एस्टोनिश्ड, हम दोनों की जींस कैसे एक जैसी हो गई। ये आज स्पेशल मैंने न्यू ली है तुम्हारे लिए, सिर्फ देखा ना मेरे अंदर पहली फीलिंग आ जाती है। रियली आई एम एस्टोनिश्ड, आई मीन इट्स जस्ट लाइक समथिंग, हमारा तो हॉरोस्कोप भी मिल रहा है, हम लोगों की चॉइस भी सेम हो रही है। बस एक चीज सेम ना हो जाए बाकी खैर है। और यार मेरा दिल कर रहा है ना मैं ना तुम्हें पहाड़ों में लेके चलूं। अब मैं इस चीज़ का क्या मतलब समझूं पहाड़ों में जाने का, कि तुम मुझे इम्प्रेस कर रहे हो कि तुम्हें डर नहीं लगता ही? अरे नहीं वहाँ बस मेरा एक पार्टी हाउस है, तो वहाँ जाके चलते हैं। कि तुम काफ़ी रोमांटिक हो रहे हो, या फिर शायद मेरी कंपनी का असर है कि तुम्हारा मूड ऐसा हो रहा है। इस तरीके से ना बोले वरना बहुत कुछ खराब होने वाला है यहाँ पे। बस घर पहुँचने वाले हम यहाँ पे, और यहाँ ये पीछे वाला था बस तुम्हारी बातों की वजह से ना थोड़ा सा दिमाग घुमा हुआ है, इसलिए पता नहीं चला। वाओ सच अ ब्यूटीफुल होम। बहुत कुछ और भी ब्यूटीफुल देखने को मिलेगा, आओ नीचे चलते हैं।
टेस्ट तो तुम्हारा अच्छा है। तुम देखो व्यू चेक करो, बस कितना कमाल का व्यू आ रहा है। चेक करो बिल्डिंग्स, रात को कितनी शानदार लग रही हैं, बिल्कुल तुम्हारी तरह। अरे यार ये कौन है अबे, कौन चला रहा है अबे सुबह सुबह। उठ भी जाओ, और कितनी देर सोना है? उठो भी, क्या टाइम हो रहा है? उठ जाओ, मुझे होटल वापस जाना है, मुझे ड्रॉप करना है तुम्हें, अब उठ भी जाओ। हाँ रेडी हो गई, आओ चलें फिर। हाँ तो कैसा लगा फिर? मुझे तो तुमने अपनी बातों से सुला ही दिया था, बाकी तुम बताओ। दिल तो नहीं कर रहा, लेकिन अब जाना तो पड़ेगा, रात बहुत हो रही है ना। अरे यार दिल तो मेरा भी नहीं कर रहा, लेकिन चलो। चलो कोई बात नहीं। यही वाला होटल है ना तुम्हारा? एक मिनट जरा मैं यहाँ पार्क कर लूँ गाड़ी। मैं बहुत खुश हूँ कि कोई मुझे इतना इम्पोर्टेंट समझता है, तुमने मेरे लिए इतना टाइम निकाला। हाँ मैं भी, मेरी खुशी भी आ रही है, लेकिन अभी दूर है, लेकिन आ रही है धीरे धीरे। मैं सोच रही हूँ कि जब हम साथ होंगे, शादी होगी, तब तो हर शाम ही इतनी हसीन होगी, हर वक्त यही खुशियाँ होंगी। कितना अच्छा लगेगा ना जब ज़िंदगी इतनी हसीन हो जाए और इतना अच्छा टाइम गुजरे, तो पता भी नहीं लगता कि कहाँ से कहाँ इंसान चला जाता है। पा 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 पा, अरे यार पापा मैं यार, हमारे पता गाड़ी पे है और बाइक पे है, मैं कल ही साइकिल चला रहा हूँ। मुझे भी इस गाड़ी चाहिए थी, लेकिन ये पापा की गाड़ी होटल के बाहर क्या कर रही है? जरा मैं उतर के जरा चेक करता हूँ क्या सीट क्या चल रहा है यहाँ पे। मुझे भी बच्चे लग रही है साथ, अभी ना मैं उतर के मेरा फोटो खींचूंगा और ना मामा को दिखाऊंगा, और फिर ना पापा की पटाई होगी। जी मेरी जान, आओ आपको मैं छोड़ देता हूँ यहाँ पे। दिल तो नहीं कर रहा, लेकिन जाना तो पड़ेगा ना, अब जाएंगे तो दोबारा मिलेंगे ना। हाँ चलो ठीक है, टेक केयर। बाय। उफ चलो शुक्र है गई, मुसीबत गई, पहले बहुत खर्चा करा दिया इसने, और हुआ भी कुछ नहीं। और वहाँ जिमी क्या कर रहा है? तो उसने मेरे शार्ट कर दिए, जाके देखता हूँ आराम से हुआ क्या उसे। एक तो 24 घंटे, ये क्या बोलूँ अब इसको मैं। चल अंदर आ, अंदर दफाओ। पापा आ रहा हूँ। अब बता तूने क्या क्या देखा है बे, और तूने मेरा पीछा क्यों कर रहा था? मसला क्या तुझे? पापा मैंने आपको देखा है लड़की के साथ, और ना मैं अब मैंने फोटो भी खींची है, और मैं मामा को भी बताऊंगा, और आप हमेशा मुझे मारते हो, मुझे गाली भी देते हो, और गाड़ी भी नहीं लेके देते। अच्छा यार इतना भी ना सेंटी ना हो, तुझे मैंने साइकिल लेके दी है ना, तो अभी बता कौन सी गाड़ी लेनी, मेहरान लेनी बता, किस कलर में लेनी बता, अभी बुक करते हो मेहरान तेरे लिए। हैं मुझे अभी भी मेहरान लेके देनी है? पहले पता ना क्या हुआ था, मेहरान चलाई थी मैंने, मेरे से नहीं वो चलती, मेहरान तो एक काली है, मैंने नहीं मेहरान लेनी। उस समय में गाड़ी आती है, मुझे वैसी गाड़ी चाहिए, मैंने भी चलाऊँ, मैं भी शौकी मारनी है। अच्छा, अब तुमने मुझे पकड़ लिया, इसलिए मैं तुझे ले देता हूँ गाड़ी। तू ऐसा करके चाचू को बता दे, वो फिर लेके देते हैं, बाकी मैं तुझे घर ड्रॉप करता हूँ अभी। और बिल्कुल बताई ना मामा को, वरना तेरी गाड़ी भी कैंसिल, सब कुछ कैंसिल। ठीक है पापा, मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा अगर आप मेरी गाड़ी लेके दोगे। मैं ना अपनी गाड़ी यहाँ पार्क करूँगा, हाँ यहाँ पे बिल्कुल साइड पे होंगे, इस दरख्त के नीचे, बहुत मैं भी खड़ी करूँगा, बहुत मज़ा आएगा मेरे को। ही ही ही। तो गाइस आज का तो ये एपिसोड, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ सून, तो स्टे ट्यून्ड।